हेलो एवरीवन, तो ये आपकी स्टील स्ट्रक्चर की 7th क्लास है और आज हम पढ़ेंगे वेल्डेड कनेक्शन के बारे में। ठीक है, तो पहला है आपका वेल्ड कनेक्शन क्या होता है, दूसरा टॉपिक है एडवांटेज डिसएडवांटेज, देन कितने टाइप के होते हैं, देन परमिसिबल स्ट्रेसेस और डिफेक्ट्स क्या क्या आते हैं वेल्डेड कनेक्शन में। तो स्टार्ट करते हैं। पहला आपका वेल्ड कनेक्शन, तो जब हम रेविट की मदद से कनेक्शन करते हैं तो वो रेविट कनेक्शन होगा, बोल्ट नट बोल्ट की मदद से करेंगे तो वो नट बोल्ट कनेक्शन होगा, और जब हम वेल्ड की मदद से कनेक्शन करेंगे वेल्डिंग की मदद से तो हम लोग का वेल्ड कनेक्शन होगा। तो इसमें क्या है, व्हेन स्ट्रक्चर मेंबर्स आर ज्वाइंट और कनेक्टेड बाय वेल्ड, जब भी हम स्ट्रक्चर मेंबर को ज्वाइंट और कनेक्ट करते हैं वेल्ड की मदद से तो वो कनेक्शन कहलाएगा वेल्डिंग कनेक्शन। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट है इसका एडवांटेज, इसके क्या क्या एडवांटेज है। तो पहला इसका एडवांटेज है कि ये ज्यादा रिजिड होता है एज कम्पेयर टू रेविट और बोल्ट। बोल्ट और रेविट के कंपेरिजन में इसकी रिजिडिटी ज्यादा होती है। ठीक है, और इसमें लेस टाइम, ये जब इसको फैब्रिकेट करते हैं तो वो लेस टाइम लेता है देन बोल्टिंग में। बोल्टिंग में क्या होता है, आपको एक एक नट पे जाके उसे कसना रहेगा, रेविट में आपको एक एक पॉइंट पे जाके उसे रेविट करना रहेगा, और वेल्डिंग में क्या होगा, जो भी जैसे आपको ये पोर्शन मान लीजिए वेल्ड करना है तो सिंपल इलेक्ट्रोड रॉड जो होता है वो इसके लेके पूरा ड्रैग कर देना है तो आपका वेल्ड कनेक्शन हो जाएगा। तो ये कम टाइम लेता है वेल्डिंग कनेक्शन। ठीक, फिर नेक्स्ट इसका एडवांटेज है, वेल्डेड स्ट्रक्चर आर कंपैरेटिवली लाइटर देन रेविट और बोल्ट। जो इसमें जो अगर कंपेयर करते हो आप इसका और रेविट या बोल्ट कनेक्शन का, तो इसका जो वेट होगा वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस। तो वही लिखा है कि जो वेल्ड कनेक्शन का ज्वाइंट होता है वो लाइटर होता है एज कम्पेयर टू दिस। वाइल फैब्रिकेशन इट डज नॉट प्रोड्यूस नॉइज, जब इसका फैब्रिकेशन मतलब जो इसको कास्ट करेंगे आप केवल जब वेल्डिंग करते जाओगे तो ये कोई नॉइस नहीं क्रिएट करेगा। पर रेविट के कनेक्शन में आप उसको एक तरफ से रख के दूसरे तरफ से हैमरिंग करते हो या मशीन की मदद से या तो मैनुअली, तो वहां पर भी वॉइस होगा। और जब आप नट बोल्ट को आप टाइट करोगे नट में तब भी आपका और नॉइज प्रोड्यूस होगा, पर वेल्डिंग में उतना नॉइज नहीं प्रोड्यूस होता है। तो वही लिखा है कि वाइल फैब्रिकेशन इट डज नॉट प्रोड्यूस नॉइज। नेक्स्ट है आपका मेंबर ऑफ डिफरेंट शेप कैन बी वेल्डेड, किसी भी तरह का मेंबर होगा उसको इजीली हम लोग वेल्ड कर सकते हैं। अब इसका समझ लो, जैसे मान लो आपका ये चैनल सेक्शन है, इस तरह ये आपका चैनल सेक्शन है, और बीच में ऐसे कोई स्क्वायर शेप का रखना हो या कुछ भी रखना हो तो आप ये तो बोल्टेड दे लोगे पर ये आप ज्वाइंट नहीं कर सकते ये वाला, क्योंकि किस तरह से उसे आप बोल्टेड कनेक्शन में करोगे। पर वेल्ड में क्या है, सिंपल एक यहाँ पर वेल्ड लगाएंगे, यहाँ वेल्ड लगाएंगे, यहाँ वेल्ड लगाएंगे, यहाँ वेल्ड मारेंगे, ये वेल्ड मारेंगे, ये वेल्ड मारेंगे, और यहाँ थ्रू आउट लॉन्गिट्यूडनली वे में आप वेल्डेड मार दोगे तो ये ज्वाइंट हो जाएगा। तो वही लिखा है कि किसी भी शेप का मेंबर हो वो आप उसको इजिली वेल्ड कर सकते हो, पर हर जगह बोल्ट और रेविट कनेक्शन प्रोवाइड करना नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, पर वेल्डिंग कहीं भी आप कर सकते हो। ठीक है, और ये इकोनॉमिकल भी होता है तो ये भी इसका एक एडवांटेज है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं डिसएडवांटेज में, तो नीड स्किल्ड लेबर एंड सुपरविजन, जब भी आप वेल्डिंग परफॉर्म करते हो तो वेल्डिंग हर कोई नहीं कर सकता, उसके लिए हमको क्या चाहिए, स्किल्ड लेबर चाहिए और सुपरविजन भी चाहिए अच्छा कि सही वेल्डिंग हो रही है कि नहीं, जहां कनेक्शन देना है वहां हो रहा है कि नहीं। तो इसीलिए इसका पहला डिसएडवांटेज यही है कि इसको हमेशा स्किल्ड लेबर और स्किल्ड सुपरविजन ही चाहिए। ठीक है, इसका इंस्पेक्शन और टेस्टिंग जो है डिफिकल्ट होती है और एक्सपेंसिव होती है। जो हम लोग इसका इंस्पेक्शन करेंगे या टेस्टिंग करेंगे वेल्डेड कनेक्शन का वो डिफिकल्ट भी होता है और एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि अगर मान लो यहां पर आप ये वेल्ड कर दिए तो इसका इंस्पेक्शन कैसे पॉसिबल है। ये तो आप इंस्पेक्ट कर लोगे यहां पर आप चढ़ के या फिर यहां रख के ये इंस्पेक्ट कर लोगे, पर ये इंस्पेक्शन ये वाला करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो वही है आपका कि इसका इंस्पेक्शन और टेस्टिंग जो है डिफिकल्ट होता है और एक्सपेंसिव होता है। फिर इसमें ग्रेट पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रिटल फ्रैक्चर है, जैसे नट बोल्ट में क्या होता है आपका, जैसे चाहे रेविट हो चाहे वो, मान लो ये आपका रेविट है तो यहां से पहले अगर फेल हुआ तो ये तो नेकिंग होगा या कुछ भी होगा तो ये आपको इंडिकेशन देगा, पर ये कोई इंडिकेशन नहीं देगा वेल्ड कनेक्शन फेल होगा तो सीधे फेल हो जाएगा। तो वही आपका बोला है कि ब्रिटल फ्रैक्चर में ग्रेट पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रिटल फ्रैक्चर इसमें होता है। ठीक है, और इन फटीग स्ट्रेस वेल्ड ज्वाइंट विल फेल अर्लियर। फटीग स्ट्रेस मतलब जब साइक्लिक लोडिंग आपकी आती रहेगी, ठीक है, तो जब फटीग स्ट्रेस
साइक्लिक लोडिंग के कारण ही आपका फटीग स्ट्रेस जनरेट होता है। तो जो फटीग स्ट्रेसेस आएगा वेल्डेड जॉइंट में, वो बोल्ट और रेविट के कंपैरिजन में वेल्ड जल्दी फेल करेगा, ठीक है। और जो इसके जॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके ओवर रिजिड जॉइंट होते हैं। तो ये सारे हो गए इसके डिसएडवांटेज। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके टाइप कितने प्रकार के होते हैं। तो मेनली दो प्रकार के आपके वेल्ड कनेक्शन होते हैं, एक होते हैं फिलेट और एक होता है बट। फिलेट वेल्ड क्या होता है, जब भी फिलेट वेल्ड देख लो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको लैप ज्वाइंट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, फिलिंग करते हैं, बेसिकली समझ लो फिलिंग करना है, ठीक है। जैसे मान लो ये आपका पेज है और ये इन दोनों को ज्वाइंट करना है, तो यहाँ पर आप वेल्ड कनेक्शन दे दिए, तो बेसिकली फिलिंग करेंगे। तो फिलेट क्या होगा, इसको एक तरह से लैप ज्वाइंट भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, ये एक मेंबर एक यहाँ प्रोवाइड करेंगे और एक यहाँ प्रोवाइड करेंगे। जैसे अगर जैसे मान लो ये एक है सेक्शन और एक ये प्लेट है, इसको रखोगे तो आप यहाँ पर थ्रू आउट ये और ये और ये प्रोवाइड करोगे, ठीक है। तो ये फिलेट वेल्ड हो गया। अब फिलेट वेल्ड में भी कई टाइप हैं, जैसे पहला है साइड फिलेट वेल्ड। अगर हम केवल साइड में दें इस तरह, तो ये साइड फिलेट वेल्ड होगा। और सपोज करो इस डायरेक्शन में आपका लोड लग रहा है, तो ये क्या होगा, लोड के पैरेलल होगा। तो वही लिखा है, एक्सिस इज पैरेलल टू अप्लाइड लोड। जो ये वेल्ड है, इसकी जो एक्सिस है ये लोड के पैरेलल है, और इसे लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि लोड के अलोंग लग रहा है, तो इसे लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट भी बोलेंगे या पैरेलल लोड भी बोलेंगे। नेक्स्ट है आपका एंड फिलेट वेल्ड। तो एंड फिलेट वेल्ड क्या होगा, जब भी हम फिलेट वेल्ड एंड में देंगे, ठीक है। तो सपोज कर लो ये आपका लोड लग रहा है और ये आपका लोड लग रहा है, तो ये क्या होगा, लोड के ट्रांसवर्स या परपेंडिकुलर है। तो वही लिखा है, इसे लोड के ट्रांसवर्स है, इसीलिए हम लोग ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड भी बोलते हैं। एक्सिस पैरेलल टू अप्लाइड लोड, जो वेल्ड की एक्सिस है वो लोड के परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, ठीक। फिर नेक्स्ट है आपका डायगोनल फिलेट वेल्ड। डायगोनल फिलेट वेल्ड क्या है, ये बेसिकली कंप्लीट बना दिया है। डायगोनल फिलेट वेल्ड क्या होता है, क्योंकि अकेले कभी डायगोनल फिलेट वेल्ड नहीं दिया जाता है। जब ऐसे आप वेल्डिंग केवल यहाँ देते हो, ये वाला जब वेल्डिंग दोगे तो इसे डायगोनल फिलेट वेल्ड दोगे, तो केवल यहाँ वेल्डिंग पॉसिबल तो है नहीं, ये तो आपको ये भी देना पड़ेगा, ये भी देना पड़ेगा, ताकि कनेक्शन और मजबूत हो, ठीक है। पर बेसिकली समझ लो, ये जो इतना पोर्शन का जो वेल्डिंग किए हो, यही आपका डायगोनल फिलेट वेल्ड है। और ये इसकी एक्सिस क्या होती है, अगर ये लोड है, ये लोड है, तो ये लोड के इंक्लाइंड है, देख रहे हो ना, कुछ एंगल बना रहा है, तो ये लोड के इंक्लाइंड है, इसीलिए इसको डायगोनल फिलेट वेल्ड कहा है। फिर फिलेट वेल्ड में कुछ और भी टाइप है, क्या क्या टाइप है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन ऑफ वेल्ड, जो वेल्ड का फॉर्मेशन है वो किस तरह है, ठीक है। वेल्ड का जो फॉर्मेशन है वो किस तरह है, वो डिफाइन करेगा कि किस तरह है। जैसे पहला है आपका कॉनकेव फिलेट वेल्ड। कॉनकेव फिलेट वेल्ड में क्या होगा, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, जब इसको वेल्ड करोगे तो ये जो इसका टॉप सर्फेस होगा वो इस तरह कुछ फॉर्म करेगा, कॉनकेव, ठीक है, कॉनकेव की तरह। तो जब इसको वेल्ड करोगे तो ये आपका कंप्लीट वेल्डिंग रहा, और इसका टॉप सर्फेस है वो कॉनकेव की तरह फॉर्मेशन करेगा, इसलिए इसका नाम है कॉनकेव फिलेट वेल्ड, ठीक। नेक्स्ट टाइप है आपका कॉन्वेक्स फिलेट वेल्ड, जब इसका टॉप सरफेस इस तरह फॉर्म करेगा कॉन्वेक्स टाइप में। ये तो आपका पूरा फ्यूजन के कारण ये सब इतना पोर्शन हट के ये सब पूरा जॉइंट होता है, तो ये जब टॉप सरफेस आपका कॉन्वेक्स फॉर्म होगा तब उसे कॉन्वेक्स फिलेट वेल्ड बोलेंगे। और एक है मिटर फिलेट वेल्ड, उसमें क्या होगा, ये जो होगा ये प्लेन रहेगा, टॉप सरफेस आपका प्लेन रहेगा, ठीक। तो ये सब हो गया आपके फिलेट वेल्ड के बारे में। नेक्स्ट है आपका बट वेल्ड के बारे में। फिलेट वेल्ड क्या बताया था, फिलेट वेल्ड आपका बताया था जब ओवरलैप करेगा। बट वेल्ड में क्या होगा, सेम इसका जो एक्सिस है वो सेम रहेगा, सेम लाइन में रहेगा, मतलब दो प्लेट को आप ज्वाइन करोगे तो इसकी जो ज्वाइनिंग होगी वो इस तरह होगी, ये आपकी ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। इसको हम लोग ग्रूव वेल्ड भी बोलते हैं, ये जो वेल्डिंग होगी इसे ग्रूव वेल्ड बोलेंगे या तो बट वेल्ड बोलेंगे। और इसमें ओवरलैपिंग नहीं होती है, जैसा कि आप देख सकते हो कि सेम लाइन में प्लेट रख के वेल्ड किया गया है, तो ये ओवरलैपिंग वेल्ड नहीं होती है। अब इसके क्या क्या टाइप है, तो इसमें पहला टाइप है सिंगल वी बी बट ग्रूव। इसमें क्या करेंगे, पहले आपका जैसे ये प्लेट रहेगा, इस तरह प्लेट रहेगा, इसको हम फाइल की मदद से, जो फाइलर होता है उसकी मदद से इतना पोर्शन निकाल देंगे, तो इसका कुछ शेप इस तरह आ जाएगा,
और फिर हम इस पे ऐसे रख के ये ऐसे वेल्ड कर देंगे। तो यही आपका सिंगल वी बट है, तो ये आपका देखो वी शेप बना हुआ है, ठीक है, इसलिए सिंगल वी बट और ग्रूव वेल्ड भी इसे बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका डबल बी, जब इसमें दोनों साइड से बने होंगे, इस तरह दोनों साइड से ग्रूव बने होंगे, इधर भी ग्रूव बना है इधर भी बना है, तो देखो दो वी बन रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम डबल वी हो गया। फिर है सिंगल यू बट वेल्ड, जब आपका सिंगल यू एक बनेगा, फिर डबल यू बट वेल्ड, जब आपका ये डबल यू बनेगा, ठीक। फिर है स्क्वायर बट वेल्ड, उसमें क्या होगा, ये आपका प्लेन रहेगा, उसमें ये इस तरह से वेल्ड कर दिया जाएगा, ये पूरा वेल्डिंग रहेगी। फिर सिंगल बी वेल्ड, सिंगल बीवेल बट वेल्ड, इसमें क्या होगा, ये आपका प्लेट है, सपोज कर लो इसकी थिकनेस 10 mm है और इसकी थिकनेस 5 mm है, जब इन दोनों को जोड़ना होगा तो हम क्या करेंगे, ये तो आपका एज इट इज रहेगा, पर ये दूसरा प्लेट है इसमें हम फाइलर की मदद से इतना पोर्शन गैप कर देंगे, तो कुछ इस तरह के शेप हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर वेल्डिंग अप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका सिंगल बीवेल बट वेल्ड। नेक्स्ट है आपका डबल बीवेल बट वेल्ड, इसमें क्या होगा, दोनों तरफ का ग्रूव रहेगा, इस तरह दोनों तरफ ग्रूव रहेगा और यहाँ वेल्डिंग करेंगे, ठीक है। तो ये सारे टाइप हैं आपके बट वेल्ड के। नेक्स्ट क्या है आपका, परमिसिबल स्ट्रेस इन वेल्ड, कौन कौन से स्ट्रेस हैं जो कि वेल्ड में हम लोग परमिट करते हैं, और ये IS कोड के हिसाब से है, ठीक है। ये जितना भी आपका परमिसिबल स्ट्रेसेस हैं ये सब IS कोड के हिसाब से हैं, और ये जो है आपका टेबल नंबर 2 में दे रखा है। ये जो है जब IS कोड उठाओगे तो उसके टेबल नंबर 2 में ये दे रखा है, ठीक है, तो वहां से आप देख सकते हो। तो ये क्या क्या है, टेंशन एंड कंप्रेशन ऑन सेक्शन थ्रू थ्रोट ऑफ बेल्ट वेल्ड। अब थ्रोट समझ लो क्या होता है, जैसे सपोज कर लो आप कोई भी एक वेल्ड उठाओ, सपोज कर लो बट वेल्ड लैप, अरे फिलेट वेल्ड उठाते हैं, तो ये आप सपोज कर लो वेल्डिंग किए, तो यहां से लेके यहां तक ये, इसको हम लोग बोलते हैं थ्रोट, ठीक। तो टेंशन एंड कंप्रेशन ऑन सेक्शन थ्रू थ्रोट ऑफ बट वेल्ड अगर हुआ तो हम लोग कितना परमिट, स्ट्रेस कितना परमिट करेंगे, 150 N/mm². अगर वही बियरिंग स्ट्रेस इन टेंशन एंड कंप्रेशन रहा तो 165 N/mm² अलाउ करेंगे। अगर वही शियर ऑन सेक्शन थ्रू थ्रोट, अगर शियर फोर्स रहा, शियर स्ट्रेसेस रहा ऑन सेक्शन थ्रू थ्रोट ऑफ बट और वेल्ड, तो वो 108 N/mm² होगा, और वही अगर प्लग वेल्ड रहा तो आपका 108 N/mm उसको भी अलाउ करेंगे, ठीक। तो ये आपका है परमिसिबल स्ट्रेसेस के बारे में जब हम लोग वेल्डेड कनेक्शन देंगे। एक चीज और बता देते हैं, जैसे ये जो होता है ये जो साइज होगी बट वेल्ड के केस में, ये जो साइज होगी बट वेल्ड के केस में, जो ये आप फिलिंग करोगे ना यहां से लेके यहां तक, ये जो फिलिंग करोगे ये होता है साइज ऑफ वेल्ड। प्रेस पेज पे बता देते हैं, बट वेल्ड के केस में आप ये ग्रुप बनाओगे और ये पूरा फिलिंग करोगे, ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक ये हो जाएगा आपका साइज ऑफ वेल्ड, ठीक। और जो लैप कनेक्शन होगा उसमें ये होता है साइज ऑफ वेल्ड, साइज ऑफ वेल्ड, और ये क्या होगा, थ्रोट थिकनेस। इसको अभी बताया था कि ये थ्रोट भी होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, थ्रोट थिकनेस, और ये होगा साइज ऑफ वेल्ड। इसमें क्या होगा, यही थ्रोट भी हो जाएगा, और यही बेसिकली इसमें थ्रोट होता नहीं है, पर फिर भी जान लो यही तुम्हारा थ्रोट है और यही साइज ऑफ वेल्ड भी है, और इसमें साइज ऑफ वेल्ड ये हो जाएगा, ये और ये साइज ऑफ वेल्ड, ठीक है। तो ये आपके हो गए परमिसिबल स्ट्रेस। अब परमिसिबल स्ट्रेस के बारे में और भी, जहां पर ये टेबल दिया होगा वहां और भी बातें लिखी हुई है। तो क्या क्या बातें लिखी हुई हैं, तो पहली बात ये है
कि परमिसिबल स्ट्रेस इन शियर एंड टेंशन आर रिड्यूस टू 80%। मतलब परमिसिबल स्ट्रेस शियर और टेंशन में जो है वो रिड्यूस कर दिया जाता है 80% जब हम वेल्डिंग परफॉर्म करते हैं फील्ड में। रिड्यूस टू 80%, याद रखना 80% घटाया नहीं जाता है, 80% पर लाया जाता है। ठीक है, दो चीज है, एक होता है 80% घटा देना और एक होता है 80% तक लाना। ठीक है, तो 80% तक लाएंगे वैल्यू। ठीक है, तो परमिसिबल स्ट्रेस इन शियर एंड टेंशन जो होगा वो रिड्यूस कर दिया जाएगा 80% पे अगर हम लोग वेल्डिंग वर्क कहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, फील्ड में। दूसरा क्या है, अगर हम लोग अर्थक्विक या विंड का इफेक्ट ले रहे हैं, मान लो आप डिजाइनिंग कर रहे हो और उसमें मान रहे हो कि विंड और अर्थक्विक है, बेसिकली जब हाई रेज बिल्डिंग आती है तो या तो अर्थक्विक प्रोन एरिया होता है या अर्थक्विक जोन एरिया होता है, तब हम लोग ये करते हैं। अगर अर्थक्विक या विंड का इफेक्ट हम लोग लेंगे तो परमिसिबल स्ट्रेस को 25% से बढ़ा देंगे, याद रखना ये दोनों चीज। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिफेक्ट। क्या क्या डिफेक्ट, मतलब क्या क्या खराबी आती है, तो इसमें दो प्रकार की खराबी हो सकती है, या तो सरफेस पे खराबी हो सकती है या तो इंटरनल डिफेक्ट। सरफेस पे मतलब ये वाला, ये यहां पर कोई दिक्कत हो, ठीक है, यहां पर कोई दिक्कत हो तो ये सरफेस डिफेक्ट हो गया, और या तो अंदर कोई डिफेक्ट हो तब ये इंटरनल डिफेक्ट कहलाता है। सरफेस डिफेक्ट में क्या होगा, जो इसका सरफेस है वो क्रैक हो, सपोज कर लो आप देखोगे वेल्डेड कनेक्शन देखोगे तो ऊपर पूरा क्लीन रहेगा, एकदम क्लीन रहेगा, अगर उसमें क्रैक अपीयर हो रहा है, इस तरह से कुछ क्रैक अपीयर हुआ है तो वो क्रैक में आ जाएगा। ठीक है, अंडरकट में होता है कि अंडरकट में होता है कि जो भी इसका ये वाला पोर्शन है ये टूटा रहे किसी हिसाब, मतलब ओवर हीटिंग या किसी की वजह से भी ये आपका जो ये वाला सरफेस है यहाँ का, ये वाला ये किसी तरह से हट जाए तो वो अंडरकट कहलाता है। एक्सपोज्ड इंक्लूजन, मतलब अगर जैसे कि जो आप ये वेल्ड करते हो तो इसमें जब इसको आप बीट करोगे किसी से ठोकोगे तो जो निकले ब्लैक ब्लैक पाउडर टाइप में निकलेगा, पाउडर कह लो या कुछ इस तरह निकलेगा, तो उसे हम लोग स्लैग बोलते हैं। तो जब ये स्लैग इस पे चिपका रह जाता है तो वही एक्सपोज्ड इंक्लूजन कहलाता है। और एक्सपोज्ड पोरोसिटी, जैसे आपका जब पोर इस पे प्रेजेंट रहा, मतलब छेद प्रेजेंट रहा, जैसे ये आपका सपोज वेल्डिंग किए हो तो इस पे अगर छेद प्रेजेंट रहा तो वो हम लोग एक्सपोज्ड पोरोसिटी कहेंगे। और ओवरलैपिंग क्या है, मान लो आप यहां पर कनेक्शन किए इतना आप एक सेकेंड ये आप कनेक्शन किए पर ये कंप्लीट नहीं हो, फिर उसके बाद दोबारा उसी पे कर रहे हो तो वो ओवरलैपिंग डिफेक्ट कहलाएगा। तो इसमें तीन इतने हैं, क्या है, पहला क्रैक है, दूसरा अंडरकट है, तीसरा एक्सपोज इंक्लूजन, चौथा है एक्सपोज पोरोसिटी और नेक्स्ट है ओवरलैप। अब आता है इंटरनल डिफेक्ट के बारे में, इंटरनल क्या क्या डिफेक्ट होता है। तो पहला है आपका गैस इंक्लूजन। जब गैस इंक्लूजन में क्या होता है, जब इसके अंदर जब भी चाहिए हो चाहिए हो कोई भी वेल्ड हो, अभी इसी का बस बता रहे हैं पर दोनों पे चीज एप्लीकेबल होती है। सपोज कर लो आप ये वेल्डिंग कर रहे हो और इसके अंदर गैस इंट्रैप हो जाए, ठीक है, अगर इसके अंदर गैस इंट्रैप हो गई तो ये आपका किस में आएगा, गैस इंक्लूजन में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इंक्लूजन। इंक्लूजन में क्या होगा, यही जो स्लैग है वो इसके अंदर छूट गया हो, इस तरह से ये आपका स्लैग छूट गया हो तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो केवल इंक्लूजन में आएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट है लैक ऑफ फ्यूजन। जब आप वेल्डिंग परफॉर्म करते हो तो जो इलेक्ट्रोड रॉड होता है पूरा एक सर्किट कंप्लीट बनाता है, ठीक है, आर्क वेल्डिंग में बेसिकली सर्किट कंप्लीट बनाता है, तो जब इलेक्ट्रोड रॉड आप यहां पर टच करते हो तो क्या करता है, ये फ्यूज होता है, ये मेल्ट होता है और यहां पर कलेक्ट होता रहता है, तो अगर इसका फ्यूजन सही से नहीं हुआ तो वही आपका डिफेक्ट आएगा, लैक ऑफ फ्यूजन। ठीक है, और एक होता है इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन। इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन में क्या होगा, सपोज कर लो ये आपका है तो बेसिकली हमको ये पूरा फिल करना होता है, ये पूरा फिल करना होता है, किसी भी कारणवश किसी भी कारणवश इस तरह रह गया और आप यहां पर पूरा कनेक्शन दे दिए तो ये क्या हुआ, पूरा ये पेनिट्रेट नहीं किया, पूरा ये बुरा भरा नहीं, तो वही ये डिफेक्ट इसमें आएगा, लैक ऑफ पेनिट्रेशन। ठीक है, तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में वेल्डेड कनेक्शन की और थ्योरीज देखेंगे, फिर क्या क्या उसमें फाइंड करते हैं वो बाकी सब चीज नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।